रुकिए महारानी जी, पंडित रामकृष्ण हमारे प्रमुख सलाहकार हैं। इनकी कुशलता पर संदेह करने का अर्थ हुआ कि आप हम पर संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं महाराज, हमारा वो तात्पर्य नहीं है। पंडित रामकृष्ण की कार्य कुशलता पर हमें कोई संदेह नहीं है। ये तो मात्र हम अपने मन की संतुष्टि के लिए जांच करना चाहते थे। यदि इससे आपके हृदय को ठेस पहुंची है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद महारानी जी। पंडित रामकृष्ण जी। जी महाराज। आराम कीजिए, नाम निकालिए। पंडित रामकृष्ण जी, क्या आपने इन पर्चियों में हमारा नाम भी लिखा है? हम अतिथि हैं, परंतु फिर भी हम इस नाटक का अंग बनना चाहते हैं। डाला है, अवश्य डाला है, क्यों नहीं डाला है, अवश्य डाला है। गुरुवर, आपको कैसे ज्ञात हुआ? पर्चियां तो पंडित रामकृष्ण जी ने लिखी है ना? नहीं नहीं, हमें ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात नहीं। गुरुवर, महारानी तिरुमलम्बा यही तो आपसे पूछना चाहती है। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजकुमारी जगन मोहिनी जी का नाम इस कलश में है? वो हमें ज्ञात था महाराज, हमें ज्ञात था, परंतु पंडित रामकृष्ण जी के इस प्रयास का श्रेय हम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा कहा। जी 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 महाराज, मैंने गुरुवर के मार्गदर्शन में ही इन पर्चियों को तैयार किया है और इनके मार्गदर्शन में ही इस नाटिका की योजना बनाई है। उचित बात है, आइए आरंभ कीजिए, नाम निकालिए कलश में से। जी। एक क्षण। महारानी जी, क्या हुआ? नाम हम निकालेंगे। अवश्य अवश्य निकालिए। अद्भुत अद्भुत। हम भी निकालेंगे। अनंत लक्ष्मी। अनंत लक्ष्मी। अद्भुत। धन्यवाद धन्यवाद। ये अनुचित है महाराज। क्या अनुचित है गुरुवर? कलश में से तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ गुरुवर, ये कैसे संभव है? पंडित रामकृष्ण, तुमने हमारे साथ चालाकी की। नहीं गुरुवर नहीं, कलश तो आपने मुझे अभी सामने से दिया था ना, और पर्चियों की जांच तो आपने पहले से ही कर ली थी। हमने की थी, ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित रामकृष्ण, गुरुवर, आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? हम भी समझना चाहते हैं। हम समझ गए। पंडित रामकृष्ण जी और गुरुवर ये चाहते थे कि इन पर्चियों में ना आपका और हमारा नाम निकले, परंतु निकल गया गोविंद और अनंत लक्ष्मी का, इसीलिए गुरुवर थोड़े से अप्रसन्न है ना गुरुवर? क्या ये सत्य है? जी महाराज। अद्भुत अद्भुत। महारानी जी आप निश्चिंत रहिए, पंडित रामकृष्ण हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस नाटक का निर्देशन इस प्रकार करें कि सभी को कोई ना कोई पात्र करने का अवसर मिले। जो आ गया महाराज। अद्भुत, अब हम आज्ञा लेंगे। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। पंडित रामकृष्ण, तुम्हारे पास संध्या तक का समय है। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपने परिवार को लेकर विजयनगर से पलायन कर जाओ, अन्यथा उधर सूर्य अस्त हुआ और इधर हम महाराज को सत्य बताकर तुम्हारा सूर्य सदैव सदैव के लिए अस्त कर देंगे। करेक्ट।
महाराज और राजकुमारी का नाम तो नहीं निकला, फिर आप मुंह लटकाए क्यों खड़े? हर कार्य में गड़बड़ करती हो। अरे कलश बदला वो तो ठीक था, किंतु महाराज और राजकुमारी जगन मोहिनी के नाम के स्थान पर गोविंद और अनंत लक्ष्मी का नाम क्यों डाला? कोई और नाम भी तो डाल सकती थी ना। हमने पर्चियां नहीं बदली है। तो नाम किसने बदले? पूरे निवास को धुएं से भर दिया, श्वास लेना दुभर हो गया है। अम्मा, शारदा दीदी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या है? राजकुमारी जगनमोहनी, महाराज कृष्णदेव राय, इन सभी पर्चियों पर तो महाराज कृष्णदेव राय और राजकुमारी जगनमोहिनी का नाम लिखा है। अम्मा, शारदा दीदी, ये सब क्या है? अनंता, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि महाराज ने दिवाली के उत्सव पर नल दमयंती नाटक के मंचन का आदेश दिया है? तो महाराज चाहते हैं कि नल दमयंती नाटक की मुख्य भूमिका निभाने वाले स्त्री और पुरुष का चुनाव इन पर्चियों द्वारा हो, परंतु गुरुवर चाहते हैं कि इस नाटक की मुख्य भूमिका केवल महाराज और राजकुमारी जगनमोहिनी निभाए। परंतु ये तो अनुचित है ना, अवसर तो सभी को मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा ही तो हम कह रहे हैं कि अवसर युवा लोगों को मिलना चाहिए, पर क्या करें, गुरुवर बड़े ज्ञानी, परम पूजनीय और बहुत ही बड़े पंडित हैं। उनकी इच्छा की अवहेलना कैसे की जा सकती है? सही कहा अम्मा आपने, हम तो बस ये कलश गुरुवर को देने के लिए आए थे। कहाँ है गुरुवर? आप चिंतित ना हो, ये कलश भ्राताश्री को मिल जाएगा, हम ही दे देंगे। उचित है, अब हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। अनंता ने पर्चियां बदली हैं, हमने नहीं। पर्चियां किसी ने भी बदली हो, कुछ नहीं हो सकता। संध्या काल तक गुरुवर महाराज को सब कुछ बता देंगे। ओमेश्वरी, घर जाकर सामान बांधो, अब विजयनगर से भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। हाँ, उचित है मेरुवन्ना, आप एक पहर पश्चात घर पर पहुंच जाना, भूलना मत। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हीरा मोती थोड़ा और चर लें, तत्पश्चात इन्हें हम बैलगाड़ी में जोतकर आपके निवास स्थान ही आता हूँ। वैसे पंडित रामाकृष्ण जी, आप कहाँ जाने के लिए कह रहे थे? तेनाली गाँव। भूला मत, समय पर पहुंच जाना। हाँ, प्रणाम पंडित रामाकृष्णा जी। प्रणाम प्रणाम। कल मैं आपसे बैंगन खरीद कर ले गया था, स्मरण है ना? जी स्मरण है पंडित रामाकृष्णा जी। जी, तो मेरे 30 कांसे के मुद्रा आपके पास शेष बचे थे, आपने कहा था बाद में ले जाना। जी कहा था। तो लौटा दीजिए। पंडित रामाकृष्णा जी, आप कहें तो मैं 30 कांसे के शेर की मुद्रा के टमाटर तोल दूं? नहीं नहीं, मुझे टमाटर नहीं चाहिए, मेरी मुद्राएं मुझे लौटा दीजिए। आप क्या विजयनगर छोड़ के जा रहे हैं? आपसे मतलब, मेरी मुद्राएं मुझे लौटाइए, लाइए। धन्यवाद। चल मणि, भागे गुरुजी को बताते हैं। हाँ, गुरुजी हमें पुरस्कार देंगे। चल 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 चल। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपकी दिवाली तो पूर्वी प्रारंभ हो गई है। आपका परम शत्रु विजयनगर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है, और इधर हम ये शुभ समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। गुरुजी, अपने प्यारे शिष्यों को पुरस्कार दीजिए ना। पुरस्कार चाहिए? जी गुरुजी, बहुत दिनों के पुरस्कार नहीं मिला है। गुरुजी दे दीजिए, आज दे दीजिए। आओ। विश्राम।
इन योद्धाओं की परीक्षा लेने का यही सही अवसर है। दृष्टि गोचरम, प्रहारम। ये योद्धा तो काम के निकले। विश्राम। आनंद आ गया, निजानंद आ गया, किंतु अति आनंद तब आएगा जब मेरे ये तीन योद्धा तुम तीनों से पीटने के पश्चात पंडित रामकृष्ण तू मेरे चरणों में गिरेगा और मांगेगा क्या? आपको कहाँ कुछ बोलना आता है? भिक्षा, अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा, तब आएगा आनंदम। अरे ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक सामान भी नहीं बांधा। अरे मेरु अन्ना आते ही होंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे क्या आवश्यकता नहीं है, अब तो गुरुवर ने महाराज को मेरी चुगली लगा भी दी होगी। सैनिक मुझे पकड़ने के लिए आते होंगे, महाराज मुझे सूली पर लटका देंगे। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि गुरुवर आपका कोई अहित नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्या किया तुम लोगों ने? आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए भोजन लाते हैं। नहीं, पहले बताओ क्या किया। शब्द हमारे हैं, कथन अम्मा का है। ओमेश्वरी, कथन है क्या? आज पंडित रामकृष्ण हमारे हाथों से नहीं बचेगा। हमारे साथ चल गया उसने, हमारे साथ, अब हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अम्मा, आप यहां क्या कर रही? आपका हाल चाल जानने आए थे। हमारे हाल चाल तो अच्छे। सुना है आपके मस्तिष्क में चोट लगने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हमारा नहीं तो? तो अब बिगड़ने वाला है, क्योंकि मैं ठंडा मारने वाली हूँ। हमने ऐसा क्या किया है? पूछते हो मैंने क्या किया है? क्यों रामा को बार बार धमकी दे रहे हो तुम? देखो अम्मा, हमने पंडित रामकृष्णा को बचने का अवसर दिया, परंतु उन्होंने अवसर गवा दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें महाराज को सत्य बताना ही होगा। पंडित रामकृष्ण को अब मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता है। उचित है, तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु स्मरण रहे कि तुम्हारा भी एक सत्य है जो महाराज को ज्ञात होना चाहिए। हमारा हमारा हमने महाराज के नाम से किसी को कभी कोई झूठा पत्र नहीं लिखा। पत्र नहीं गुरुवर, आपने तो पूरी पत्रिका लिखी हुई है, पूरे विजयनगर में महाराज की नाक के नीचे। पत्रिका? हाँ पत्रिका। कैसी पत्रिका? सदामिनी देवी। राजगुरु, महापंडित, महाज्ञानी, पूजनीय तथा चाहिए एक नर्तकी के साथ। छी 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 छी। महाराज को यदि ज्ञात होगा तो सोचो आपका क्या होगा। अम्मा, हमें प्रतीत होता है कि महाराज इन्हें मृत्यु दंड तो नहीं देंगे, परंतु देश निकाला अवश्य मिलेगा। देश निकाला? सोचिए गुरुवर, बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाएंगे। आपकी करतूत ज्ञात होने के पश्चात कोई भी राज्य आपको अपनी शरण में नहीं लेगा। समझ गए अम्मा, हम सब समझ गए। अब बैठिए बैठिए, हम बैठकर बात करते हैं, बैठकर बात करते हैं। बैठिए, नीचे बैठो। हम नीचे? नहीं नहीं, भयभीत मत हो, जो भी मेरी शरण में आया है उसकी नैया
बार ही लगी है। सत्य कहा, लीजिए बैठिए बैठिए, घबराइए मत। देखिए अम्मा, हम कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप इस प्रकार धरती पर क्यों बैठे हैं स्वामी? वो आप जाइए वरुण माला, आप भीतर जाइए। वो क्या है कि हम अम्मा को समझा रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। आप सत्य में महान हैं स्वामी। अम्मा शारदा, आप लोग कैसे हैं? हम तो उचित हैं। हम अभी आप लोग के लिए जलपान का प्रबंध करते हैं। अम्मा कृपया हमारी बात को समझने का प्रयास। कुछ नहीं चलेगा, मेरा एक ही नियम है, एक हाथ ले और दूसरे हाथ ले। तुम रामा का सत्य छुपा कर रखो और मैं तुम्हारा सत्य छुपा कर रखूंगी। यदि रामा का सत्य बाहर आ गया तो मैं तुम्हारा भी सत्य बाहर ला दूंगी, समझे? समझ गए अम्मा। अरे अम्मा धन्यवाद, धन्यवाद शारदा। अरे आ जाओ। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। मैं तो वो बचपन से ही करती आ रही हूँ। हम आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। अम्मा हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी। कैसी आशा नहीं थी? यही कि आप हमारे और पूजनीय गुरुवर के बारे में व्यर्थ की अफवाहें फैला रहे हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता तो पुत्री और पिता के समान होता है। आप सत्य कह रही हैं सौदामिनी देवी। आप हमसे उलझने का प्रयास कर रही थी। यदि महाराज को यह ज्ञात हो गया तो पंडित रामाकृष्णा के साथ आपको भी दंड मिल सकता है अम्मा। ना ना, बस अब हम आपके इस डंडे से भयभीत होने वाले नहीं हैं। क्या कहा था आपने अम्मा? कि हम पंडित रामाकृष्णा का सत्य छुपा कर रखें और आप हमारा सत्य छुपा कर रखेंगी। सत्य प्रमाण मांगता है अम्मा। हमारा सत्य सत्य होकर भी सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे सत्य को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। परंतु पंडित रामाकृष्णा के सत्य का प्रमाण स्वयं उड़ीसा से चलकर विजयनगर आया है। गुरुवर, अब आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं? अवश्य सौदामिनी देवी, सदैव प्रसन्न रहो। हाँ तो शारदा देवी, आपके घर में अतिथि आए हैं, कुछ जलपान का प्रबंध करिए। वैसे अम्मा चाल तो बहुत अच्छी चली थी आपने, दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाई। अच्छा बताइए क्या करें आपके इस पुत्र का? गुरुवर मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.